हमने भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। आम इंतखाबात हुई या ज़िमनी इलेक्शन, हमें तैयारी रखनी है। मरियम नवाज की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ को अकामा पर निकाल दिया गया, एक मुंतखब वजीर आजम को हटा दिया गया, ये एक दाग है। दूसरी जानब अकामा नहीं, वहाँ पर असल जराइम किए हुए हैं। जिस शख्स ने जराइम किए हैं उसे सहूलतें क्यों दी जा रही हैं। पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम का खात्मा दोनों खानदानी जमातों की जहनीत की अक्कासी करता है। सेहत कार्ड पंजाब की आबादी की अक्सरियत के लिए एक नेमत थी। इमरान खान का पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम को ब्लॉक किए जाने की शदीद मजम्मत, कहा इस मनसूबे का खात्मा इन दोनों खानदानी जमातों की सफाक जहनीत की अक्कासी करता है। इमरान खान का जलजिले की तबाहकारियों में कीमती जानों के ज़िया पर तुर्किया, शाम और लबनान से भी इजहार ताज़ियत। IMF और पाकिस्तान के माबेन रेवेन्यू शॉर्टफॉल और एनर्जी सेक्टर पर इख्तलाफात बरकरार। IMF पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों और तबकात को सब्सिडी देने पर आमादा। IMF ने तरक्याती फंड और अखराजात में कटौती, बाज़ शोबों को हासिल सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का इस्तेमाल खत्म करने की तजावीज़ दी है। 7 फरवरी से मीडियम टर्म बजट फ्रेमवर्क पर बात शुरू होगी। गवर्नर पंजाब ने सूबे के इलेक्शन आम इंतखाबात के साथ करवाने का इंदिया दे दिया। बार बार इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, जबकि मुल्क में पहले ही मौशी मसाइल हैं। गवर्नर पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा जहां मौशी मुश्किलात हैं वहां फकत एक ही जिद की जा रही है कि इलेक्शन करवा दें। 20 हलकों में एक ही शख्स खड़ा होगा और फिर सबसे इस्तीफा दे देगा। ये भी मालूम है कि इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च होंगे, इस राह को बंद होना चाहिए। ओल्ड फौजी कब्रिस्तान में परवेज मुशर्रफ की कब्र तैयार, कब्रिस्तान के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेंजर्स ने कब्रिस्तान के सिक्योरिटी इंतजाम संभाल लिए। परवेज मुशर्रफ का जस्तेहा की खसूसी तैयारी के जरिए आज दुबई से कराची लाया जाएगा। तुर्किया और शाम में जलजिले में 600 से ज्यादा अफराद जान बहाक, सैकड़ों जख्मी। अमरीकी जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.8 रिकॉर्ड की गयी। जलजिले का मरकज तुर्किया का सरहदी शहर करामन मराज था। शाम की वजारत सेहत के मुताबिक सुबह अलेपो, लताकिया, हमा और तुर्तुश में अब तक 237 अफराद हलाक, जबकि 639 जख्मी हैं। भारत एशिया कप में नहीं आता तो भाड़ में जाए, इंडिया होगा अपने लिए होगा। जावेद मियांदाद ने कोयटा में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ICC अगर भारत को कंट्रोल नहीं कर रहा तो गवर्निंग बॉडी का और क्या काम है। ICC को चाहिए रूल्स सबके लिए यकसा बनाए, भारत को यहाँ आकर खेलने और हारने से मुसीबत हो जाती है।